चैनल पंजाबी टीवी प्रोग्राम जुड़े सारे ही दर्शकों का अज इस प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। मैं जगदीश सिंह ग्रेवाल ये प्रोग्राम कनेडियन खबरसार लैके तुहाडी सेवा विच हाजिर हुंदा हाँ। सिर्फ अद्धे घंटे का यह प्रोग्राम हुंदा। इस प्रोग्राम दे विच असी जो कैनेडा दे नैशनल लैवल दे उत्ते कोई गल्लां बातां चल रही हुंदियां ने उहनां दे विचों दो चौं दा विस्तार अते दो चौं बारे गल्लबात असी तुहाडे नाल सांझी करदे हाँ। कनेडियन खबरसार प्रोग्राम किहो जिहा तुहानूं लग्गिया साडे स्क्रीन दे उत्ते नंबर चलदे ने, इन्हां नंबरां दे उत्ते कॉल करके तुसीं अपना फीडबैक दे सकदे हो और किसे तरहां दा भी इस प्रोग्राम दे विच तुहानूं लगदा कि सुधार करन दी जरूरत है असीं जरूर तुहाडे वल्लों दित्ते गए मशवरिआं दे उत्ते विचार करांगे। सो अज दे कनेडियन खबरसार प्रोग्राम दे विच तीन चार आपां अहम मुद्दे विचारांगे जिहदे च वख-वख कैनेडा दे सूबिआं दे नाल संबंधित होणगे। पहली गल असीं अज शुरू करन जा रहे हैं कैनेडा दे सूबे मैनीटोबा। मैनीटोबा दे विच एक यूनिवर्सिटी है जिसनों ब्रैंडन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 1967 तो इस यूनिवर्सिटी नूं मानता प्राप्त है ते उस तो बाद लगातार बहुत सारे जिहड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ दे लई विद्यार्थी इत्थे आउंदे ने ते इत्थों अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करके वख-वख खित्तिआं दे विच फैले हुए ने। बीते हफ्ते एक इस यूनिवर्सिटी नाल संबंधित घटना जिहड़ी सामने आई जिसकी चर्चा सारे कैनेडा दे नैशनल मीडिया दे विच होई। ब्रैंडन यूनिवर्सिटी दी एक विद्यार्थन ने यह आवाज़ उठाई कि उसका सैक्शुअल शोषण आ जिहड़ा सैक्शुअल हरासमेंट सैक्शुअल असॉल्ट उस दे उत्ते होई ते पर उस नूं एक एग्रीमेंट दे उत्ते साइन करवाया गया जिस दे विच उसने लिखा गया सी एग्रीमेंट दे विच अगर ये सब कुछ हुंदा है तुहाडे नाल तां तुसीं किसी भी अपने घर दे नाल या फिर बाहर दे मित्र दोस्त दे नाल इस घटना दे बारे च कोई संपर्क या कोई इस दे बारे च विचार चर्चा नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ तुसीं यूनिवर्सिटी दे जिहड़े काउंसलर्स ने उहनां नाल गल्लबात करोगे। भाव कि अगर यूनिवर्सिटी दे विच किसी भी विद्यार्थन दे नाल किसी भी तरह की सैक्शुअल हरासमेंट या फिर सैक्शुअल असॉल्ट का केस कोई हुंदा है तां उस विद्यार्थी या विद्यार्थन नूं अपने नाल होई इस धक्केशाही ते अपने नाल होए इस शोषण दे बारे दे विच किसी बाहरले बंदे दे नाल जां फिर किसी घर दे नाल बंदे नाल गलबात करन दा अधिकार नहीं सी। उस दे लई एक एग्रीमेंट उन्हां तों पहलां ही अगाऊं साइन करवा लिया जांदा सी कि अगर तुसीं अगर यूनिवर्सिटी 'च घटना वापरदी है ते अगर तुसीं एक वापरी घटना बारे किसी होर नाल गल करदे हो तां तुहानूं यूनिवर्सिटी दे विचों सस्पेंड कर दिता जाएगा, तुहाडा नाँ मुअत्तल कर दिता जाएगा, खारज कर दिता जाएगा तुहाडा नाँ। और ये एक बड़ी बड़ी धमकी हुंदी सी विद्यार्थी ते विद्यार्थियों दे लई जिन्हां दे नाल अजिहे केस ये हुंदे सीगे। सो ये जिहड़ा एग्रीमेंट हर विद्यार्थी तो साइन करवाया जांदा सीगा। हुण जदों इस लड़की दे नाल ये होया और उस तो बाद उन्हें रियलाइज़ किया कि मैं की कर बैठी हाँ कि मेरे नाल आ कुछ होया ते मैं इस दी गल भी किसी दे नाल नहीं कर सकती। उन्हूं अपनी जिंदगी अपने आप दे विच बोझण लगन लगी ते उसने इस प्रति अपनी जिहड़ी आवाज़ उठाई ते होर बहुत सारे जिहड़े केस ने उस तो बाद सामने आए जिन्हां दे नाल अजिहा होया। पर इस पक्षों कि जे वह गल किसी होर नाल करदे ने तां फिर उन्हां दा यूनिवर्सिटी दे विचों नाम कट दिता जाएगा। उस तो बाद उस कुछ होर लड़कियां जिहड़ियां सामने आईयां और एक ग्रुप बनिया कि बुई बिलीव सर्वाइवर्स इस ग्रुप का जिहड़ा नाम रख्या गया और इस ग्रुप के तहत उन्होंने इस मुद्दे प्रति काम करना शुरू किया। हुण देखिया जाए तो कैनेडा भर के जे 78 यूनिवर्सिटियां ने 78 यूनिवर्सिटी के सिर्फ 9 अजिहियां यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्होंने अजिहे सैक्शुअल केसां दे नाल अजिहे जिनसी होए शोषण के केसां दे नाल सिज्जण दे लई अपनियां पॉलिसियां बनाईयां होईयां। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी के उन्होंने इस मुद्दे के बारे गलबात की जाए। जे गलबात की जेकर मैं कल अंटारीओ की गल करा 24 कॉलेजेस ने इत्थे साडे अंटारीओ सूबे दे विच 24 कॉलेजां दे विचों किसी भी एक सूबे दे कोले अजिही पॉलिसी नहीं। अगर किसी विद्यार्थी या विद्यार्थन दे नाल अजिहा कोई सैक्शुअल हरासमेंट या सैक्शुअल शोषण हुंदा है तां उस दे नाल किवें निपटना है। जिथे वी बिलीव सर्वाइवर्स नां दा ग्रुप सामने आया उस तो बाद एक होर ग्रुप आ जिहड़ा साइलेंस इज वायलेंस ये ग्रुप आ जिहड़ा उह भी सामने आया और इसने भी गल करनी शुरू की कि अगर किसी दे नाल अजिहा हुंदा तां अपनी वो गल क्यों नहीं कर सकते। तुहानूं याद होना डलहौजी यूनिवर्सिटी दे विच कुछ मर्द विद्यार्थियों ने औरत विद्यार्थना दे बारे दे विच एक फेसबुक पेज बना के ये डेंटल दे स्टूडेंट्स सन ते इन्हां ने फेसबुक का पेज बना के उन्हां बारे मंदा चंगा जिहड़ा लिखना
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਪਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਸੂਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਬਲੀਵ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਆਂ ਗਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ $25 billion ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਂ ਗਮੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਰਤਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਬਰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ